ये कोई पिकनिक वाला कार्यक्रम नहीं था कि जैसे एक रात को गए और एक रात को जा करके ट्राइबल में नाठी डाल करके आगे बैठ करके आगे। नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है, कहाँ गई है, क्या वजह है? अभी हम उन स्कैम का जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे तो जमीन जो है पांव तले उनकी खिसक जाएगी, निकल जाएगी। पूर्व की जयराम सरकार के समय में चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा पलटवार किया है। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में जो जनमंच कार्यक्रम चला था वो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच था, वो सुखू सरकार की पिकनिक नहीं थी जिसमें सीएम दूर दराज के गांव में जाकर रात को नाटी डालकर वापस आ जाते हैं जबकि वहां की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनमंच में हर व्यक्ति के हाथ में माइक देकर उनकी समस्याओं को जाना जाता था और मौके पर ही उनका समाधान भी होता था। यहां कांग्रेस सरकार में तो किसी को बोलने तक की आज़ादी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने इस तरह के आरोप लगाए हैं वे उनको बेबुनियाद आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझते। ऐसा है कि जिस नेता ने ये बोला मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा। वो एक सरकार का कार्यक्रम था और सरकार का कार्यक्रम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वो कार्यक्रम था। हिमाचल प्रदेश में जब से भी सरकार के गठन हुए हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा मौके पर समस्याओं को सुनने के बाद समाधान हुए हैं तो वो कार्यक्रम जनमंच कार्यक्रम था। ये कोई पिकनिक वाला कार्यक्रम नहीं था कि जैसे एक रात को गए और एक रात को जा करके ट्राइबल में नाठी डाल करके आगे बैठ करके आगे और उसके बाद दूसरी बार कोई आदमी कोई नेता कांग्रेस पार्टी का कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं सिरे से खारिज करता हूँ, वो सरकार का कार्यक्रम था और ऐसी बातों को करने वाले जो लोग हैं वो राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं, उनका जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है। और यहाँ समस्या की बात तो दूर की बात, यहाँ पर किसी को ऐसे भी कहने की जो है कोई गुंजाइश नहीं है कांग्रेस पार्टी की सरकार में, और जबकि मंच जनमंच में सबको खुले बोलने का अधिकार दे रखा होता कि आप बोलिए आपकी समस्या क्या है और मौके पर उसको सुनने के बाद समाधान किया जाता था। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसका समय आने पर खुलासा किया जाएगा और जिस दिन खुलासा होगा उस दिन सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरकार बताए कि बद्दी की एसपी रातों रात अपना आवास छोड़कर कहां चली गई। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, उद्योग विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी सरकार कोई जांच नहीं करवा रही है। आप देखिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है, कहां गई है, क्या वजह है? वो गंभीर विषय नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है सारी चीज़ को लेकर के हम सारे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट किस प्रकार से अलॉटमेंट से हो रही है, किस तरह से कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है, कुछ बड़े कंपनियों को फेवर किया जा रहा है, उसमें सारी चीज़ों को लेकर के बातें अब निकल रही हैं। और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में एक के बाद एक स्कैम, अभी हम उन स्कैम का जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे तो ज़मीन जो है पांव तले उनकी खिसक जाएगी, निकल जाएगी, ज़मीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होनी, मंत्री उसमें हैं, अधिकारी भी उसमें। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।